श्रीकाल जी, स्वागत है थोड़ा मेरे YouTube चैनल दे विच। ते अज मैं उपर छत ते खड़ी हाँ, बड़ी सोहनी सोहनी मिठी मिठी धुप है, क्योंकि मैं ना कुछ बना रही सी ते मैं सोचिया कि मैं थोड़े नाल शेयर कर दी हाँ। ते ओ चीज़ जो मैं बना रही हाँ ना, बड़ी फायदेमंद है थोड़े वाला वास्ते, हेयर्स वास्ते। ते ओ पिछे शीशे देख रही, तुहानू देख रही, मैं दिखाउनी हाँ। आज 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 कैमरे वाले नूं पता नहीं लगा मैं किधर गई। गुरजीत जी कन्फ्यूज हो गए। बट आ देखो, ये एक ऑयल मैं बना रही हाँ, जड़ा ऑयल हेयर फॉल नूं स्टॉप करता है, थोड़े वालों की ग्रोथ करता है वधिया। तो ये मैं ट्राई किया, मैनू वधिया लगा, तो मैं हुण एक बार दोबारा बना रही सी। मैं सोचा फिर थोड़े नाल मैं शेयर करा कि किद्दां बनता है, मैनू पता थोनू वधिया लगेगा एंड डेफिनेटली वर्क करता है। मैनू आई थिंक एक महीना हो गया यूज़ करदा। सो ये हुण सैकेंड बॉटल है, तो मैं हुण किद्दां बनाया मैं थोनू दसांगी, तेनू किवें यूज़ करना वह भी दसांगी। तो इहनू धुप्पे रखना पैंदा एक हफ्ता या दस दिन, इस करके बेचारे हो गए धुप्पे, मतलब बैठे नू खड़े नू बहुत टाइम हो गया तेल नू। ते हुण ये बेचारा अपनी प्रोसैसिंग दे विच सीगा, ते मैं वीडियो बनाउण आ गई। ते हुण मैं तुहानू दसदी आ कि किद्दां बणिया, इहदे विच की पाया, ते इहनू आपां किद्दां यूज़ करना, चलदे आ। सो हुण मैं तुहानू दसदी आ कि इहदे इनग्रीडियंट्स की ने। सब तो पहलां जी मैं बना रही हाँ ओलिव ऑयल दे विच, ओलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तुसी कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। मैं ओलिव ऑयल वधिया लगता है, बिकॉज ये अपना बालों को बड़ा हैल्दी तो शाइनी बनाउंदा आ। दैन मेथी दाना, मेथी दाने होंगे जोड़े, फेनुग्रीक सीड, ठीक है। दूसरा हो गया ये, तीसरा है कलौंजी, ब्लैक सीड्स, अनियन सीड भी कह देंगे इन्हों। सो ये होगी कलौंजी, फेनुग्रीक, मेथी दाना एंड ओलिव ऑयल। तो ये असी बनाना किद्दां नूं कहिंदे, डबल बॉयलर प्रोसैस जो तुसी सुनिया होएगा। असी गैस दे उत्ते पानी रखांगे। सो पहला मैं गैस ऑन कर लूँ। असी गैस दे उपर रखांगे पानी, पानी दे उपर अजे जो पानी बॉयल होना शुरू करेगा, उस तो बाद असी कच दा बोल रखांगे, तो इहदे विच बाकी अपने इनग्रीडियंट्स नूं मिक्स करांगे। सो हुण पानी थोड़ा जिहा गर्म हो लैण दो। हुण देखो साडा पानी बॉयल होण लग गया, सो गैस असी सिम ते कर देनी आ। 15 मिनट बिल्कुल घट हुंदा ना सिम गैस ते। आपां हुण रखांगे अपना ग्लास बोल, इहदे विच आपां पाउंगे ओलिव ऑयल। मैं थोड़ा जिहा होर पाऊंगी। मैं क्वांटिटी बना रही हूँ जिवें एक छोटा कप हुंदा ना, तुसी छोटा कप ले सकते हो। उहदे विच एक टेबल स्पून मेथी दाना, मेथरिया दा दाना, दैन कलौंजी, 1 टेबल स्पून कलौंजी एंड दैन इहनू मिक्स कर दो। हुण इहनू असीं 15 मिनट तक सिम गैस दे उपर इहनू बॉयल होण दे लई रख देना है। वो असी बॉयल इस करके कर रहे हैं सो दैट असी इनू इमीडिएटली यूज़ कर पाइए। हुण 15 मिनट हो गए ने, देखो इनू बॉयल होंदिया नू। ते डबल बॉयलर दे नाल ये फायदा हुंदा कि तेल जिहड़ा ना सड़दा नहीं हैगा, है ना, हीट हो के बर्न नहीं हुंदा। ते हौली हौली इहदे विच इहदे जिहड़े आ सीड्स दे कह दो कि फायदे ने ना, हौली हौली तेल दे विच आउणे शुरू हुंदे ने। 15 मिनट हो गए ने, आपां गैस नू करता ऑफ। ते असी ऑयल नूं ठंडे होने वास्ते रख देना अराउंड अबाउट 15-20 मिनट, अद्धे घंटे के विच इन्हें ठंडा हो जाना। फिर असी सारे ऑयल नूं एक बॉटल दे विच पाउणा है, सीड्स भी नाल ही पाउणे ने। साडा ऑयल ठंडा हो गया, असी इहनूं विद दाणे, ठीक है जी, इहदे जिहड़े आ सीड्स ने उह भी असी ऑयल दे विच ऐड करांगे। देखो जी, हुण तुसी बोतल नूं उपरों बंद करके इहनू धुप्पे रखना एक हफ्ते वास्ते या फिर 10 दिनों वास्ते। एक हफ्ता जे तिखी धुप्प है तो एक हफ्ता बहुत है, नहीं तो तुसी इहनू 10 डेज़ वास्ते भी रख सकते हो। सो उस तो बाद तुसी इहदे आ जिहड़े सीड्स ने इहनां नूं पुण के सैपरेट कर सकते हो, तो इस तेल नूं 1 महीना स्टोर कर सकते हो। उस तो बाद तुसी फ्रैश बनाओ, तो फ्रैश यूज़ करो।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲਾਵਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੰਮੀ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੰਮੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇਲ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਦੇ ਮੰਮੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਨਾ ਦੰਦ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਮੰਮੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਲਾਉਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਉਣਾ। ਐਂਡ ਜਸਟ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਮਸਾਜ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਓ। ਦੇਖੋ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮਸਾਜ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਸੋ ਦੇਖੋ ਮੰਮੀ ਮੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਮੋਟੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੋਟੋ ਪਿਛੋ ਬੜਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਓਵਰ ਨਾਈਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਸਟੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ ਹੇਅਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਵਰ ਨਾਈਟ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇਲ ਲਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਓ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਾਤ ਰੱਖੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੈਡ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਹੋ ਤੋ ਐਸੀ ਹੋ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ। ਮੰਮੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ।